हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंडिकेटर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपको वीडियो ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग और बेस्ट प्रिडिक्शन कैसे मार्केट का ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं जो टेक्निकल्स नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रिडिक्शन करते हैं और मार्केट में उनकी प्रिडिक्शन 70-80% करेक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मार्केट को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं और मार्केट में वॉच करने से उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट कब कहाँ कैसे जाएगा। बट ये 70% ही एक्यूरेट रहता है, क्योंकि 30% मार्केट में सेंटिमेंटल चीज़ें भी वर्क करती है। सेंटिमेंटल मीन्स कि कभी भी कुछ भी मार्केट में एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रिडिक्शन हम मार्केट में टेक्निकल्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हमें इस तरीके की प्रिडिक्शन बताता है। तो लेट्स स्टार्ट। हमें अगेन investing.com की वेबसाइट पे आना है। सबको पता है कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है निफ्टी या कुछ भी सर्च करें जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में। नीचे आइए, टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाइए, इस तरीके का पेज खुलेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से एक बार और आपको स्टार्ट करता हूँ। जिस वीडियो के बारे में मैं जिस इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है ट्रिक्स। ट्रिक्स अपने आप में ही एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स मीन्स दैट कि आप किस तरीके का ट्रिक्स यूज करते हैं। ट्रिक्स मतलब कि आपको एक ऐसी चीज बताएगा जो एक ट्रिक ही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक स्टॉक है जैसे जिसका नाम है वेदांता। चलिए पहले मैं वेदांता के बारे में बता देता हूँ। वेदांता एक मेटल स्टॉक से, मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मेटल इंडस्ट्री इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके स्टॉक, जिसकी अगर रजिस्टर्ड कंपनी है स्टॉक में, वो स्टॉक कभी भी गिर नहीं सकती। मेटल ही इकलौता एक ऐसी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि मेटल की रिक्वायरमेंट दिन डे बाई डे कितनी बढ़ रही है। छोटी से लेके बड़े लेवल पे मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको भी पता है कि मेटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जमीन के नीचे से निकाला जाता है, जो कि एक लिमिटेड है, ठीक है। इसे तो इस वजह से इसकी कीमत टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। और आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट में इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक मार्केट में मेटल एक अपनी अलग पहचान बना के रखा है। तो लेट्स स्टार्ट एक वेदांता, एक मेटल स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगाया हुआ है ट्रिक्स। ट्रिक्स जो है एक साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में चलता है और हमें राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज प्रोवाइड करता है। देखिए तो इस लेवल से देखिए, यहाँ पे ट्रिक्स डाउन पे था, पहले ही यहाँ से शो किया है नीचे गिरने का। यानी कि जब भी ट्रिक्स यहाँ पे रहे तो हमें मार्केट में समझ लेना है कि एंट्री लेने का समय आ गया है, बाय करना है और मार्केट पॉजिटिव। जब हाई पे रहे, इस तरीके का कर्व दे हाई पे, तो हमें मार्केट में सेल करना है। ये देखिए सेल, ठीक है। सिमिलरली अगेन यहाँ पे मार्केट की बाइंग की पोजिशन बनी है, हमें बाय करना है। अगेन यहाँ पे सेलिंग बनी है, हमें सेल करना है। मार्केट मूविंग लाइक साइनसॉइडल वेव। ट्रिक्स जो है वो मार्केट की मूवमेंट को साइन वेव में या साइन फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर यू और सभी ट्रेडर्स के लिए कि जो इस तरीके का ट्रेड करते हैं, जिन्हें हम एक तरह से ऑपरेटर ट्रेड भी कहते हैं, जो हाई से सेल करते हैं, लो से बाय करते हैं, उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन दोस्तों, हम ट्रिक्स का यूज एक और इंडिकेटर के साथ करेंगे जिसका नाम है RSI, ठीक है। मैं बार बार आपको RSI के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये रियल में एक इमेजिनरी टाइप का वो है, इंडिकेटर है जो सही में वर्क करता है, ठीक है। चलिए, हमने RSI इंडिकेटर लगा दिया है। दोस्तों, RSI इंडिकेटर बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 के नीचे RSI होता है ओवर बॉट ओवरसोल्ड लेवल, और 70 के ऊपर होता है ओवर बॉट लेवल, ठीक है। तो दोस्तों, सबको पता है कि RSI ये 30 के लाइन पे, यहाँ से हमें बाय करना है और यहाँ से हमें सेल करना है। दोस्तों ये देखो, इस लेवल पे RSI ने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया और आप देखेंगे इधर बाय यहाँ तक गया है, मतलब कि इस लेवल से यहाँ पे RSI ने बाय दिया। इस लेवल पे यहाँ पे RSI ने बाय दिया, हाँ यहाँ पे RSI बाय दिया, और बाइंग कहाँ तक थी? इस लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि दोस्तों, वेदांता 224 से बाय हुआ 244 समथिंग 243 तक,
मतलब हमें अराउंड 20 पॉइंट्स दे गया, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ देखिए RSI ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि इस लेवल से RSI वेदांता का डाउन हुआ है यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि RSI यहाँ से डाउन हुआ है, ट्रिक्स ने भी यहीं से गिरावट दिखाई है, मतलब कि हमें यानी कि 245 से 227-28 तक हमें डाउन मिल गया, ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट, ठीक है। दोस्तों ये एक ही जगह अप्लाई नहीं हो रहा है, हर जगह आप देखें यहाँ से देखेंगे ट्रिक्स में यहाँ पे क्या है, डाउन है, मतलब ट्रिक्स में यहाँ से बाइंग का एक लेवल बना है, इस प्राइस से बाइंग बना है। देखेंगे कि ये प्राइस 226 था, ये कहाँ तक गया, 234, ठीक है, ऑलमोस्ट अपने को 6-8 पॉइंट। तो कोई से भी स्टॉक में आप अराउंड 3-4%, 8-10.5 पॉइंट आप आराम से एग्जिट से इजीली निकाल सकते हो, और वो भी बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, ठीक है दोस्तों। और मैं एक ट्रिक्स का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एक, हाँ एक चीज और है, ट्रिक्स आप जब भी यूज करें आपको 1 आवर का कैंडल यूज करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप मार्केट की सही कंडीशन सही मूवमेंट को जान सकते हैं, वो भी स्लो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रिक्स ने बहुत अच्छा बाइंग दिया इस लेवल तक, सिमिलरली यहाँ पे RSI ने बाय दिया इस लेवल तक, मतलब कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, यानी यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे कि ये, ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ से इस प्राइस से यानी कि 218 से मार्केट किस प्राइस तक गया, 247, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट दोस्तों। सिमिलरली RSI ने भी यही चीज दिया, वहां से ब्रेक हुआ मार्केट, कहां तक ब्रेक हुआ हम आपको बताते हैं, मार्केट यहां से ब्रेक होके अगेन 224, यानी कि यहां से इस प्राइस से सेलिंग यहां तक। तो दोस्तों ट्रिक्स का ये यूज, ट्रिक्स से कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दे, बट ट्रिक्स आपका एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको प्रिडिक्शन देता है, मार्केट में एंट्री लेवल बताता है कि नहीं अभी मैं हाई पे हूँ, मैं कभी भी गिर सकता हूँ, मैं डाउन पे हूँ, मुझे बाय करो सेल करो, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कैपिटल एक्वायर की तरफ से हमें आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे ऐसे यूनिक इंडिकेटर्स, यूनिक मार्केट स्ट्रेटेजीज, मार्केट में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको बताऊंगा मार्केट में स्ट्रेटेजी कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा बल्क में यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं और अच्छा रिटर्न निकालते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।